नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। सोनिया गांधी ने हुबली में एक भाषण में भारत की अखंडता एकता पर प्रश्न उठाए और कर्नाटक की संप्रभुता रखने की बात की। हुबली में दिए गए सोनिया गांधी के भाषण पर अब सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शोभा कंदरलाजे ने चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि हम देश की संप्रभुता की बात करते हैं कि देश एक रहना चाहिए। सोनिया गांधी देश को खतरे में डालना चाहती हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व कर रही हैं। उन पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग मैंने की है। जब इलेक्शन कमीशन गए थे, सोनिया गांधी जी के खिलाफ हम कंप्लेंट दिया। सोनिया गांधी जी हुबली में बात करके भाषण दिया। एक ये भाषण में भारत का अखंडता एकता सार्वभौमत्व को प्रश्न किया एंड कर्नाटक का सॉवरेंटी रखना ऐसे बात किया। हम सॉवरेंटी बोलते हैं देश के लिए, देश एक रहना है। ये देश को खतरे में डालना चाहती है एंड टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व कर रही है। उसके ऊपर FIR दर्ज करना एंड कार्रवाई करना ऐसे डिमांड हम रखे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत कुछ वर्षों में सुपर पावर बन गया है। हम अभी 5वें स्थान पर हैं और अगले 20-25 वर्षों में हम पहले या दूसरे स्थान पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो और रैली कर राज्य की स्थिति को समझा। मुझे विश्वास है कि हम निश्चित तौर पर 125 सीटें जीतेंगे। 101% we are going to win more than 130 seats and we are going to form the government without anybody's support. And next Lok Sabha election also we are going to win more than 25 seats. And Modi ji and Amit Shah is touring in the state like anything because of all their support. And Bomma is government performance. And we are going to win more than 130 to 135 seats this time. बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया में भारत के बारे में धारणा बदल गई है। भारत को लोग आज सम्मान की निगाहों से देखते हैं। भारत आज वैश्विक लीडर के रूप में अपनी एक नई प्रतिष्ठा को बनाने में सफल हुआ है। आपने पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा को देखा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया में भारत के बारे में धारणा बदली है। भारत को लोग आज सम्मान की निगाहों से देखते हैं। भारत आज वैश्विक लीडर के रूप में अपनी एक नई प्रतिष्ठा को बनाने में सफल हुआ है। इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 9 वर्ष के दौरान जो प्रयास किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने हैदराबाद में अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस हर चुनाव में कहती है कि जब हमारी पार्टी पावर में आ जाएगी तो हम हर गरीब को, नौजवानों को 2000 से 3000 बेरोजगारी भत्ता जरूर देंगे। बेरोजगारी भत्ता 3000 4000 देने से क्या आपका घर चल पाएगा? मैं समझती हूँ कि नहीं चल पाएगा। हमारी पार्टी ने दूसरों पार्टियों की तरह बेरोजगारी भत्ता न देकर गरीब और बेरोजगार नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट बहलोल नगर इलाके में एक घर पर गिरा। इस घर में रहने वाली 3 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पायलट सुरक्षित है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गया। मृतकों के नाम बशकौर, बंतो और लीला देवी है। पायलट ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। उन्हें सूरतगढ़ भेजा गया है। एयरफोर्स ने बताया कि MiG-21 ट्रेनिंग उड़ान पर था जो सूरतगढ़ के करीब क्रैश हो गया। पायलट को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।
केरल के मलप्पुरम के तानूर इलाके में करीब 40 यात्रियों को ले जा रही एक हाउस बोट डूब गई, जिसमें सवार कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। बताया जा रहा है कि तानूर इलाके में थूवलथिरम समुद्र तट के किनारे शाम एक हाउस बोट पलटने से महिलाओं और बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार की ओर से उक्त जानकारी दी गई है। सिजुके ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। नाव में सवार कुल लोगों की सटीक संख्या की जानकारी नहीं मिली है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि नाव पर कुल कितने लोग सवार थे। अब तक 21 शव बरामद किए गए हैं। केरल के सीएमओ ने कहा कि मलप्पुरम नाव दुर्घटना की व्यापक न्यायिक जांच की जाएगी। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। पुलिस की एक विशेष टीम भी घटना की जांच करेगी। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर अपने फैशन सेंस को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं। अभिनेत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अब हाल ही में अभिनेत्री किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक में शामिल हुई, जिसे लेकर वो काफी चर्चा में चल रही हैं। इस इवेंट में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत भी की थी। इस समारोह में सोनम कपूर ने एक स्पीच भी दी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। We are one third of the world's people, one third of the world's ocean, one quarter of the world's land. Each of our countries is unique, each of our people special, but we choose to stand as one. Learning from our history, blessed by our diversity, driven by our values, and determined to build a more peaceful, sustainable, and prosperous future for everyone, where every voice is heard. Without further ado, Here's welcoming the incredible voices from across the Commonwealth, including the magical Abia High School Choir from Lesotho, the Bahamas National Youth Choir, the Yippie Cheers Choir from Brunei, and watch out for the fabulous Flamingo. Here singing Higher Love is the legendary Steve Winwood and the Virtual Commonwealth Choir. सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी ने पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। रिलीज से पहले ही फिल्म काफी सुर्खियों में रही है। इसमें दिखाए गए तथ्यों को लेकर विवाद होने लगा, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। कोर्ट ने फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। उधर शुक्रवार को फिल्म को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद ये तय माना जाने लगा कि वीकेंड के कलेक्शन में और उछाल आने वाला है। कलेक्शन की बात करें तो शुरुआती आंकड़े इसके आ गए हैं, जिसके मुताबिक तीसरे दिन में अभी तक का सबसे ज्यादा बिजनेस हुआ है। 3 दिन में फिल्म ने लगभग 35 करोड़ का कलेक्शन किया है। आपको बता दें कि अंतिम आंकड़े आने तक इसमें मामूली फेरबदल हो सकते हैं। बता दें कि फिल्म का बजट 30 करोड़ बताया जा रहा है। यूक्रेन से चल रहे महायुद्ध के बीच रूस विजय दिवस की तैयारी कर रहा है। 9 मई दिन नाजी जर्मन पर सोवियत संघ की जीत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए काफी अहम है। एक तरफ पुतिन अपने ऐतिहासिक भाषण की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर उनकी आर्मी यूक्रेन के शहरों को हवाई हमलों से दहला रही है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि विजय दिवस से पहले रूस ने यूक्रेनी शहरों में हवाई हमले को तेज कर दिया गया है। कीव और ओडेशा समेत कई शहरों में सुबह से हवाई हमलों के बाद सायरन बज रहे हैं। स्थानीय लोग एक बार फिर दहशत में हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि रूस ने राजधानी कीव समेत पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमलों की लहर शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि मास्को नाजी जर्मनी की अपनी हार की सालगिरह के प्रतीक विजय दिवस की तैयारी कर रहे हैं। कीव पर रूसी हमलों के कारण कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूसी मिसाइलों ने ओडेशा के काला सागर शहर में एक खाद्य पदार्थों के गोदाम में आग लगा दी है और कई अन्य यूक्रेनी क्षेत्रों में विस्फोटों की सूचना मिली। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों से मुलाकात की। इस हाई लेवल मीटिंग का उद्देश्य व्हाइट हाउस के उस प्रस्ताव पर चर्चा करना था, जिसमें भारतीय विशेषज्ञों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिमी एशियाई देशों में रेल के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई। अमेरिका और भारत के चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। ऐसे में ये प्रोजेक्ट बीजिंग के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, जो अरब जगत में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख हिस्सा है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।